गुड मॉर्निंग क्लास एट, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास। टुडे आई विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 60 ऑफ चैप्टर ऑपरेशन ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आज हम ऑपरेशन ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की एक्सरसाइज 60 को कंटिन्यू कर रहे हैं। आपकी बुक है मैथमेटिक्स फॉर क्लास एट, इसके राइटर हैं आरएस अग्रवाल। आपकी ये बुक में एक्सरसाइज पेज नंबर 90 पर है। कल आपको मैंने जो डिवीजन कराए थे वो कराए थे आपको मैंने मोनोमियल से, एक मोनोमियल का, और दूसरा कराया था एक पॉलिनोमियल का एक मोनोमियल से। आज हम जो डिवाइड कर रहे हैं सीखेंगे वो है डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिवीजन है वो है डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल से आपको पॉलिनोमियल को ही डिवाइड करना है। एग्जांपल देखते हैं तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल है डिवाइड 2x² प्लस 3x प्लस 1 बाय x प्लस 1। क्लियर है क्लास? देखिए कैसे करेंगे। अब आप इसमें डिवाइड जैसे आप करते थे डिवाइड, इस तरीके से डिवाइड करना है इसके अंदर आपको। क्लास एट, अब आप इस क्वेश्चन में मेरे स्टेप बाय स्टेप को देखते जाइएगा। मैं आराम आराम से समझा रहा हूँ, बहुत तसल्ली से समझाऊंगा। थोड़ा टिपिकल है लेकिन इतना भी नहीं है कि आपको समझ में ना आए, तो प्लीज अवेयर दिस ऑन द ब्लैक बोर्ड। सॉरी, अब देखिए यहाँ पर है 2x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक, यहाँ है x प्लस 1। अब सबसे पहले वाली फर्स्ट टर्म लो, x में किसका मल्टीप्लाई करें कि 2x² आ जाए, x में किसका मल्टीप्लाई करें कि 2x² आ जाए। तो मैंने ले लिया 2 और यहाँ x है, यहाँ x² है। अगर मैं 2x का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, 2x² आ जाएगा। ठीक, तो मैंने 2x का मल्टीप्लाई कर दिया x में, 2x² हो गया। और जब मैंने 1 में किया तो मुझे x में भी करना पड़ेगा, 2x मल्टीप्लाई बाय 1 तो कितना हो गया, 2x हो गया। ये इसके नीचे उतार दो, यहाँ पर ऐसे लाइन खींचो, यहाँ पर साइन कैसा है, प्लस का। डिवाइड में हमेशा जो नीचे वाले साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, प्लस के माइनस हो जाते हैं, माइनस के प्लस हो जाते हैं। क्या हो जाता है, प्लस को माइनस में से कन्वर्ट कर देते हैं और माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस साइन को भूल जाते हैं। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया। अब जो यहाँ साइन था उसको हम मानते ही नहीं है कि कोई साइन था, तो ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, ये कट गया, यहाँ पे हो गया जीरो। ओके क्लास, अब यहाँ देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, इनमें से 2 गए तो कितने बचे, x। साइन कौन सा आएगा, दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये क्या है, कौन सा है, प्लस का, तो प्लस का साइन आ गया, कुछ नहीं आएगा मतलब। और प्लस 1 आगे ऊपर से उतार लो, जैसे हम डिवाइड में उतारते हैं ना ऐसे उतार लिया। ठीक, अब हो गया ये x प्लस 1। अब x में दोबारा यही पूछो, x में किसका मल्टीप्लाई करें कि x आ जाए, 1 का, किसका मल्टीप्लाई करें, 1 का। तो 1 का x में किया तो x आ गया, और इस 1 का 1 में किया तो 1 आ गया। ओके क्लास, अब ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये प्लस माइनस कट गया, ये प्लस माइनस कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो। ये हो गया आपका रिमाइंडर, ये हो गया आपका क्वेश्चन। क्लियर है क्लास एट, दोबारा समझिए। क्वेश्चन था 2x² प्लस 3x प्लस 1 बाय x प्लस 1। क्लियर, आपने क्या किया, x प्लस 1 का डिवाइड किया 2x² प्लस 3x प्लस 1 में। ठीक, अब यहां पर क्या है, x। अब मैंने आपसे कहा कि x में किसका मल्टीप्लाई करें कि 2x² आ जाए, तो आपने किसका मल्टीप्लाई किया, 2x का।
में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो जब 2x का x में किया तो कितना आ गया 2x स्क्वायर, तो 2x का x में किया है तो 1 में भी करना पड़ेगा, तो कितना आ गया 2x इंटू 1 2x। ओके क्लास क्लियर है। अब मैंने आपको बताया कि डिवाइड में नीचे वाले जो साइन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, प्लस के माइनस और माइनस के प्लस हो जाते हैं। तो यह प्लस था, जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस का साइन माना जाता है वहां, तो यह साइन कौन सा था प्लस का, कैसा हो गया माइनस का, यहाँ कैसा था प्लस का, कैसा हो गया माइनस का। आप इन साइन को दुपका लीजिए, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया तो कितने बचे जीरो, तो ये जीरो आ गया। ये प्लस का 3x, ये माइनस का 2x, प्लस माइनस माइनस, 3x में से 2x गया तो कितने बचे x बचे, ऊपर प्लस वन नीचे उतर गया है, ये प्लस वन हो गया। ठीक है क्लास। अब क्या किया आपने, अब हमने 1 का, अब x प्लस 1 आ गया, किसमें मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 ये आ जाए 1 का, तो 1 का किया 1 इंटू एक्स एक्स, 1 वन का 1, ये आ गया x प्लस 1, ये प्लस का साइन कैसा हो गया माइनस का, ये प्लस का साइन कैसा हो गया माइनस का, ये दोनों कट गए, आंसर क्या आ गया जीरो। ये आ गया आपका क्वेश्चन। ठीक है क्लास। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 1। अब हमें आते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने आपको करा दिए थे, अब आपको कराना है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस 4x प्लस 4 बाय एक्स माइनस 2। ओके क्लास। आप करेंगे डिवाइड, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ये एक्स माइनस 2। ठीक है क्लास। अब देखिए, अब यह एक्स है एक्स स्क्वायर है, एक्स में किसका मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स में किसका मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, तो किसका करना पड़ेगा एक्स का, क्या करिए एक्स लिख दीजिए। ठीक, एक्स का एक्स में किया तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक, अब एक्स का टू में करिए, एक्स में किया है तो टू में भी करना पड़ेगा, टू का एक्स में किया था टू एक्स माइनस के, क्योंकि साइन का माइनस का था, साइन चेंज होंगे, ये प्लस का तो माइनस का हो गया, माइनस का साइन प्लस का हो गया। सिर्फ नीचे वाले साइन को देखना है आपको, ऊपर वाले साइन से आपको कोई मतलब नहीं है अभी। अब ये प्लस का और ये माइनस का क्या हो गया, कट गया, ये माइनस का 4x और प्लस का 2x, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए तो कितने बचे 2 बचे। अब साइन इन दोनों में से बड़ा कौन सा है 4, 4 का ही कौन सा साइन है माइनस का। ठीक है क्लास। प्लस 4 ऐसे जैसे उतार लिया आपने ऊपर से, एक एक को उतारते से डिवाइड में उतारते जाते हैं ना, वैसे उतारते चलिए। अब यहाँ कितना है x, यहाँ कितना है 2x, किसका मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाए 2 का, और माइनस का भी करना पड़ेगा क्योंकि माइनस का 2x लाना है, तो माइनस 2 का किसमें क्या तो कितना हो गया ये माइनस के 2x। ठीक, अब 2 का 2 में भी करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 का 4 हो गया, ये माइनस का साइन कैसा हो गया प्लस का, ये प्लस का साइन कैसा हो गया माइनस का, ये इससे कट गया, प्लस माइनस ये भी इससे कट गया, रिमाइंडर जीरो, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ओके क्लास, समझ में आ गई बात, ये आपका डिवीजन का तरीका मैंने बताया, थोड़ा देर में समझ में आएगा लेकिन समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
ये है, ठीक है क्लास। इट्स एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ये है ठीक। अब देखिए यहां एक्स है, यहां क्या है एक्स स्क्वायर। अब एक्स में किसका मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर हो जाए, एक्स का तो एक्स का कर दिया, एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर। अब देखिए टू इंटू एक्स टू एक्स, यहां पे क्या है फोर, एक्स की टर्म नहीं है, हमेशा सेम टर्म के नीचे सेम टर्म आती है। अब जब इसके नीचे 2x हो गया तो इसके नीचे तो आएगी नहीं, तो इसको अलग उठा के रख दे रहे हैं, क्लियर। इतनी बार क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई आपके। दोबारा देखिए एक बार और, ये x है, x का x में क्या कितना हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। अब इस 2 का x में क्या 2x हो गया, वो इस 4 के नीचे नहीं आएगा, ठीक। साइन चेंज होगा, ये प्लस का क्या हो गया माइनस, ये क्या हो गया प्लस का माइनस, ठीक। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब माइनस फोर का कुछ नहीं हुआ, इसको नीचे उतार देंगे, ये माइनस का 2x हो गया क्योंकि प्लस का साइन हट गया, ये माइनस का 2x हो गया, क्लियर है। अब किसका मल्टीप्लाई करें x प्लस टू में, x में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाए, माइनस टू का कर दो, माइनस टू इंटू एक्स माइनस के 2x, तो माइनस टू का किया तो कितना हो गया ये माइनस के 2x। और जब माइनस का टू में भी करना पड़ेगा प्लस माइनस, माइनस टू टू का फोर, ये माइनस का साइन प्लस का हो गया, ये माइनस का साइन कैसा हो गया प्लस का हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ साइन चेंज होते हैं, प्लस माइनस माइनस कट गया, प्लस माइनस माइनस कट गया, आंसर क्या आ गया जीरो। ये क्वेश्चन हो गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया। ओके क्लास, फिर दोबारा देख लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन था एक्स प्लस टू डिवाइड करना था एक्स स्क्वायर माइनस फोर में, क्लियर। सबसे पहले क्या किया आपने, एक्स स्क्वायर लाना था तो किसका मल्टीप्लाई किया एक्स का, एक्स इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। अब टू का एक्स में करेंगे तो कितना हो गया टू एक्स, वो यहाँ आएगा, क्यों आएगा अलग, क्योंकि इसके नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि ये इसके जैसा की जैसी टर्म नहीं है, ये विदाउट एक्स है और ये एक्स है, तो ये हो गया टू इंटू एक्स टू एक्स प्लस का, क्लियर। अब ये प्लस का एक्स स्क्वायर था, ये माइनस का एक्स स्क्वायर था, आपस में क्या हो गया कट गए। अब ये माइनस फोर यहाँ एडिशन कर गया, ये प्लस कसान कैसा हो गया माइनस का टू एक्स हो गया। अब ये कुछ आपका हो गया माइनस फोर माइनस टू एक्स, अब क्या किसका मल्टीप्लाई कर रहा है एक्स में कि टू एक्स आ जाए, तो मैंने माइनस टू का कर दिया, माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स, और जब इसमें किया है तो इसमें भी करना पड़ेगा प्लस माइनस माइनस टू टू का फोर, ये हो गया माइनस का फोर। अभी माइनस का रूट किसमें चेंज हो गया प्लस में, प्लस माइनस माइनस कट गया, ऐसे ही ये माइनस सॉरी ये माइनस किसमें चेंज हो गया प्लस में, माइनस माइनस ये कट गए, आंसर क्या आ गया जीरो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फाइव, क्लियर है क्लास। थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, आप जब चार पांच बार छह सात बार इसको घर पर ट्राई करेंगे तो आपको जरूर आ जाएगा। आप वीडियो देखिएगा, वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, आपको एग्जांपल्स में ही बुक में दे रखे हैं, उन एग्जांपल्स को भी ट्राई करिएगा, आसानी से समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है क्लास। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, ओके क्लास। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन, एक्स प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस थर्टी फाइव। अब एक्स में किसका मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए एक्स का, एक्स का एक्स में क्या कितना हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स का सेवन में क्या कितना हो गया प्लस के सेवन एक्स, ये प्लस का था कैसा हो गया माइनस का, ये प्लस का था कैसा हो गया माइनस का, ये आपस में कट गए,
अभी प्लस का 12x और माइनस का 7x, तो अगर मेरे 7 गया तो कितने बचे 5x। साइन दोनों में से बड़ा कौन सा है 12 का, और 12 के आगे साइन कौन सा है प्लस का, तो प्लस का ही लगेगा। 35 ऊपर से नीचे उतार लेंगे, क्लियर है। अब x में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 5x आ जाए, खाली 5 का, तो प्लस का 5 करते हैं। 5 का x में क्या कितना आ गया 5x, 5 का 7 में किया प्लस प्लस प्लस, और 5 7 का 35 आ गया। ये माइनस का साइन हो गया, ये माइनस का हो गया, प्लस माइनस माइनस कट गया, प्लस माइनस माइनस कट गया, आंसर आ गया 0। ये हो गया आपका आंसर, बहुत आसान है, तो दो चार बार करेंगे तो जरूर आपको आ जाएगा, गारंटी है मेरी। आराम से करिएगा, तसल्ली से समझिएगा, जरूर आएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ओके क्लास 8, नाउ वी विल कंटिन्यू टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फिफ्टीन एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस प्लस एक्स माइनस 6 बाय 3x प्लस 2। देखिए 3x प्लस 2 15x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। ओके क्लास, अब देखिए 15x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, ठीक। अब 3x में किसका मल्टीप्लाई करें कि 15x स्क्वायर हो जाए, 3x में किसका मल्टीप्लाई करें कि 15x स्क्वायर हो जाए। 3 5 से 15 होते हैं तो 5 का तो करना ही पड़ेगा, या एक एक्स है या दो एक्स है, किस पर करना पड़ेगा, एक एक्स का भी करना पड़ेगा, ठीक। जो गया 3 × 5 = 15, एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर, जब इसमें इसका इसमें किया है तो इसमें भी करना पड़ेगा, 2 × 5 = 10x, क्लियर। दोबारा देख लीजिए एक बार, ये था 3x प्लस 2, इसमें था 15x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। मैंने कहा आपसे कि 3x में किसका मल्टीप्लाई करें कि 15x स्क्वायर बन जाए, किसका करना पड़ेगा 5 का, 3 × 5 = 15, एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर, जब इस टर्म का इस टर्म में मल्टीप्लाई किया है तो इस टर्म में भी करना पड़ेगा, 2 × 5 = 10x, ठीक। साइन विल बी चेंज, ठीक। ये प्लस माइनस माइनस, ये हो गया प्लस माइनस माइनस, 10x में से एक्स गया कितना बचा 9x, साइन बड़ा कौन सा है 10, और 10 के आगे साइन कौन सा है, प्लस का है कि माइनस का है, माइनस का साइन है, और माइनस का उतार लिया मैंने। अब 3x में किसका मल्टीप्लाई करें कि 9x आ जाए, 3x में किसका मल्टीप्लाई करें कि 9x आ जाए माइनस के, तो किसका करना पड़ेगा माइनस के 3 का, 3 × 3 = 9, माइनस का 9x, और 3 × 2 = 6, प्लस माइनस माइनस। साइन का विशेष ध्यान रखना है, साइन लेके चलना है, अभी साइन आगे वाला इसमें मल्टीप्लाई होता है, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, इसलिए यहाँ माइनस आ गया, ये प्लस माइनस भी माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये माइनस था ये भी प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस कट गया, प्लस माइनस माइनस कट गया, आंसर आ गया 0। रिमाइंडर, ये हो गया आपका क्वेश्चन 5x - 3, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। ओके क्लास 8, उसको समझ में आ गया होगा, 100 में से 20 से 30% तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इस चैप्टर को दोबारा दोबारा एक बार और करिएगा, जरूर समझ में आएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो मैं बैठा हूँ, दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक बार और देख लीजिए,
क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्लास, सेवन एक्स माइनस नाइन, 14x² माइनस 53x प्लस 45, ठीक। ये क्वेश्चन अब देखिए, ये 7x, ये 14x², 7x में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 14x² हो जाए, कितना कैसे करना पड़ेगा, 2x², 2x का इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x, तो यहाँ लिखिए 2x, 14x², तब इसका इसमें क्या है, तो इसका इसमें भी करना पड़ेगा प्लस माइनस माइनस 9 to the 18x, क्लियर है, ये प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, ठीक, ये कट गया, ये माइनस 53x प्लस का 18x प्लस माइनस माइनस 53 में से 18 गए तो कितने बचे 35, कितने बचे 35x, टाइम क्या आएगा, बड़ा कौन सा है, माइनस का, प्लस 45 ऊपर से उतार लीजिए, ठीक। अब 7x में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 35x आ जाए माइनस के 5 का, क्योंकि यह बाहर माइनस है, ठीक, 5 7 35x माइनस, इसका इसमें भी करना पड़ेगा माइनस माइनस प्लस, 5 9 9 5 कितने होते हैं 45, ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, ये इससे कट गया, ये प्लस माइनस इससे कट गया, आंसर आ गया 0। तो आपका आंसर आया, क्वेश्चन आया 2x - 5, क्लियर है क्लास, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। अब आज मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा क्रिटिकल था, आराम से देखिएगा वीडियो को, आराम से समझिएगा क्वेश्चंस को, नहीं आएंगे तो कल पूछिएगा, कल हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो आपका जो होमवर्क है, वो आज का होमवर्क है, ट्राई द क्वेश्चन नंबर 8, 9 and 10, ये तीन क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, आप इन क्वेश्चंस को अपने घर पर ट्राई करिएगा, ट्राई मतलब ट्राई दिया ना, ट्राई लिखा है, ट्राई मतलब आप भी कोशिश करिए करने की, नहीं आएंगे तो मैं कल इनको एक्सप्लेन करूंगा, ओके क्लास, आज के लिए इतना ही, आज से ही मैंने आपको डिवीजन के क्वेश्चन कराए हैं, उनकी वीडियो, उसकी वीडियो को अच्छी तरह देखिएगा, निश्चित तौर पर आज मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि थोड़ी डिफिकल्टी जरूर होगी, लेकिन आप उसको बार बार देखेंगे, वीडियो को बार बार अपनी कॉपी में देख देख के भी प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो भी आपको वो क्वेश्चन आ जाएंगे, ओके क्लास, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।